हेलो एवरीवन तो ये चटपटे पीनट आलू अगर आप रोज भी खाएं ना तब भी बोर नहीं होंगे चाहो तो आप व्रत में बना सकते हो या बिना व्रत के भी कुछ चटपटा खाने का मन करे ना तो दो मिनट में ये पीनट आलू बन के तैयार हो जाते हैं और बहुत अच्छा टेस्ट होता है मुंह का टेस्ट चेंज हो जाता है कभी दाल चावल के साथ भी खाना है ना तब भी बिल्कुल परफेक्ट जाता है बनाना भी बहुत ईजी है यहाँ मैंने उबले हुए आलू लिए हैं आप चाहो तो इन्हें कच्चे आलू से भी बना सकते इस तरीके से आलू को बड़े साइज़ में कट करना है अब एक कढ़ाई लेते हैं और यहाँ लेना है मूंगफली यानी पीनट इसको हल्का सा भून लेना है इतना कि इसका जो छिलका है वो अलग होने लगे उसे बिल्कुल क्रंच भी हो जाएंगे और इनका छिलका जो है वो भी अलग हो जाएगा अब एक बर्तन में निकाल के ठंडा कर लेना है फिर इसका छिलका अलग करके इसको हल्का सा दर दरा पीस लेना है अब इसी पैन में मैं थोड़ा सा तेल ऐड कर रही हूँ रिफाइंड ऑयल लिया है आप देसी घी से भी बना सकते हैं जैसे ही गर्म हो जाता है थोड़ा सा जीरा हरी मिर्च ऐड करेंगे हल्का सा इसको पका लेंगे इसी में धनिया पाउडर ऐड करेंगे एक चम्मच चाहो तो चुटकी भर हल्दी पाउडर ऐड कर सकते हैं अगर व्रत के लिए बना रहे हैं वही चीज़ें ऐड करें जो जो आप व्रत में खाते हैं लाल मिर्च ऐड करेंगे चाट मसाला या तो अमचूर पाउडर ऐड करेंगे अब यहाँ आलू डाल के इसको हल्का सा फ्राई कर लेना है व्रत के लिए बना रहे हैं तो सेंधा नमक ऐड करें या आप सादा नमक ऐड कर सकते हैं इसको सिर्फ आधा या एक मिनट तक इस तरीके से हाई फ्लेम में भून है। के बाद जो हमने मूंगफली को के रखा था उसका छिलका अलग करके उसको हल्का दर दरा सा मैंने कूट लिया है उसका छिलका अलग कर देना है फिर इसमें ऐड कर देना है और ऐड करके इसको भी इसी तरीके से मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद आप यहाँ हरी धनिया और लेमन जूस डाल के इसको सर्व कर सकते हैं तो है ना बहुत ही चटपटा और मज़ेदार डिश अचानक कुछ खाने का मन करे तो इस तरीके से बन भी बहुत जल्दी जाता है और टेस्ट जो है वो तो गजब का है ही आप भी ट्राई करो हम मिलते हैं नए वीडियो के साथ थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स वीडियो आई होप आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा